कृषि बिल व धान खरीद को लेकर किसानों का हल्ला बोल। कृषि बिल व सहकारी समितियों पर धान खरीद न होने से नाराज किसानों ने अपनी 5 सूत्री मांगों के लेकर भारतीय किसान यूनियन राजू गुट के बैनर तले सड़क पर उतरकर मौजूदा सरकार व अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर हल्ला बोल किया। किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज विकास कुमार ने समझा बुझा कर शांत कराया। इस दौरान किसानों ने बताया कि सरकार धान खरीद के तमाम दावे कर रही है, लेकिन उनके धान की खरीद अभी तक नहीं हुई, जिससे बिचौलियों के हाथ उन्हें अपना धान बेचना पड़ रहा है। धान खरीद न होने की कई बार उन्होंने शिकायत की, बावजूद कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे विवश होकर वो आज सड़क पर बैठने को मजबूर हुए हैं। वही हल्ला बोल कर रहे किसानों को समझाने पहुंचे उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज विकास कुमार ने बताया, 5 सूत्री मांगों को लेकर किसान आज धरना कर रहे थे। किसानों से उनकी वार्ता हो गई है, जो भी उनकी समस्याएं हैं उन्हें बैठकर निस्तारित कर दिया जाएगा। इंडिया समाचार के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से अश्विनी कुमार की ये रिपोर्ट। सारे लोगों को लंगड़ा लुंगड़ा बना करके खड़ा कर दिया। एक भाई इतना पैदा देखिए, सबसे पहली मांग हम लोगों की ये थी, किसानों की सबसे पहली मांग थी कि धान खरीद केंद्र में जो है कहीं बोरे के नाम पे कहते हैं कि बोरे नहीं है, और अगर हमारा किसान जाता है तो उसके धान खरीदने का काम कोई नहीं करता। वहाँ किसी किसी पे हमें अभी कल मंडी का सर्वे करने का काम किया, जहाँ पर जो है अगर 1800-1900 रुपये का था, जहाँ पर जो है पूरी भ्रष्टाचार नज़र आ रही, वहाँ पर 300-303 रुपया जो है कुंटल पीछे किसान उनको देने का काम कर रहा है, ऐसी भी मुझे जानकारी होने का काम किया। कुछ सूत्रों से मुझे भी और भी कुछ जानकारियां हुई थी, जो है मैं उनको भी उजागर करने का काम करूंगा, क्योंकि समितियों के लोग और जो एफसी के लोग हैं ये लोग बहुत ही भ्रष्टाचारता फैली हुई है। मैं सरकार को भी इसके उसमें आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर हम लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करते रहेंगे, किसानों के साथ में ऐसा व्यवहार करते रहेंगे, तो ये किसान आज सड़कों पर उतरने का काम इसलिए किया है। हमारी किसानों की मांग है कि जो समर्थन मूल्य बताया जा रहा है उस पर किसानों का माल खरीद लिया जाए। आज 1.5 महीने से हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सारी समितियों पर हमको बहलाया जा रहा है, और वहाँ तो व्यापारियों की बात हो रही, MSP तो एक झुंझुना है हमारे लोगों के लिए। हमको तो 11-12 तो हमने 11-12 में बेच दिया, जितनी खाद पांच की जरूरत थी, आधा सोच रहे थे समर्थन मूल्य 18-19 रुपये में बिक जाएगा, लेकिन शायद 6 महीने में ऐसी रवैया रहेगी, तो हमारा 6 महीने में कोई खरीदने वाला गोसाईगंज में नहीं, यहाँ कोई पान जूते मारने वाला नहीं, हमारी समर्थन मूल्य की क्या बात है भैया। बस हो जा भैया, हो जा। धन्यवाद संचालक महोदय जी।